गुड्डा लोकसभा में आने वाले मालीगांव की लुखुमोई मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है। उन्होंने गुलामी नहीं देखी, सिर्फ इसकी कहानियां सुनी है। इसको लेकर उनकी जानकारी सिर्फ इतनी है कि तब अंग्रेजी हुकूमत अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों का दमन कराती थी। अब आजाद भारत में वे कथित तौर पर उसी तरह के दमन को महसूस कर रही हैं। इसकी वजह बना है यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, अडानी पावर प्लांट। अडानी पावर प्लांट लगाने में सांसद जी की कोई भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका नगण्य है। अडानी पावर प्लांट गुड्डा के लोगों के लिए शायद ही कुछ कर पाया हो या नहीं, मगर कुछ नेताओं की राजनीति इसी के इर्द गिर्द मंडरा रही है। क्या ये अभिशाप है या कोई वरदान, या फिर गुड्डा के मासूम लोगों के पेट पर वार? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। अंत तक जरूर बने रहें। साल 2016 के समय से ही गुड्डा में अडानी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का श्रेय माननीय सांसद निशिकांत दुबे को जाता है। यह कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अडानी पावर प्लांट के नाम पर जिलेवासियों को बोर में सपने दिखाए जा रहे थे। तीन लोगों का जिक्र आज इस खबर में करेंगे, साथ ही अडानी को औद्योगिक विकास मानते हुए उस समय इस मामले को गहराई से भांप रहे चश्मदीद जेएमएम के नेता प्रेमनंदन मंडल के उन खुलासों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने किए हैं। गुड्डा लोकसभा के मालीगांव की रहने वाली लुखुमोई मुर्मू ने साल 2018 में बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं दी है, फिर जाने कैसे मेरी जमीन का अधिग्रहण हो गया। 31 अगस्त को अडानी कंपनी के लोग सैकड़ों पुलिस वालों और लठैतों के साथ मेरे गांव आए, मेरे खेत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी और बुलडोजर चलाकर सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए। मैंने उनका पैर पकड़ा, फसल नहीं उजाड़ने की मिन्नतें की, लेकिन वे अंग्रेजों की तरह दमन पर उतार उठे। उन लोगों ने हमारी जमीन पर जबरन बाड़ लगा दिया, हमारे पुरखों के शमशान को भी तोड़कर समतल कर दिया। उन लोगों ने कहा कि अब यह जमीन अडानी कंपनी की है, मेरी नहीं है। हमें बताया गया कि इन जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है और इसका मुआवजा सरकार के पास जमा करा दिया गया है। आप बताइए कि जब हमने जमीन दी ही नहीं तो इसका अधिग्रहण कैसे कर लिया गया? हमको अपनी जमीन चाहिए, मुआवजे का रुपया नहीं। मोतिया के रहने वाले रामजीवन पासवान की कहानी भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। वे रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण और मारपीट के आरोप में अडानी समूह के कुछ अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया था। उनका मानना था कि अडानी समूह की तत्कालीन झारखंड की डबल इंजन की रघुवर दास नेतृत्व वाली सरकार से मिली भगत थी। उन्होंने तत्कालीन रघुवर दास सरकार पर आरोप लगाया था कि झारखंड की वह सरकार प्रो पीपुल ना होकर प्रो अडानी हो चुकी है और उन्हें अवैध तरीके से मदद कर रही है। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने रोते हुए कहा था कि फरवरी महीने में अडानी समूह के कुछ लोग मेरे खेत पर आए थे, मुझे मेरी जाति दुसाद को लेकर गालियां दी थी और कहा था कि इसी जमीन में काट कर गाड़ देंगे। मेरी जिंदगी में पहले किसी ने ऐसी गाली नहीं दी थी, मैं इस घटना को भूल नहीं पाता हूं। मेरे घर पर ईंट पत्थर से हमला कराया गया और अब पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी गांव के रहने वाले गणेश पंडित का दर्द भी अलग है। सरकार द्वारा जमीनों के अधिग्रहण के लिए बनाई गई रैयतों की सूची में उन्हें मृत बताकर उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई। उन्होंने बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अडानी कंपनी के लोगों ने मार दिया, तीन बेटा है, दो का ही नाम दिखाया और मेरी जमीन को मेरी सहमति के बगैर अधिग्रहित कर लिया। मैंने मुआवजे का पैसा नहीं लिया है, इसके बावजूद मेरी जमीन ले ली गई। दोस्तों, ये अडानी समूह का वो चेहरा है जो जमीन अधिग्रहण के वक्त देखने को मिला था। दोस्तों, रोजगार के नाम पर भी लोगों को कुछ इसी तरह से अडानी पावर प्लांट ने ठगने का काम किया और इसकी सारी पोल पट्टी गत दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता
प्रेमनंदन मंडल ने खोल दी। आइए कुछ सुनाते हैं आप। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 13 यह कहता है कि जिस इलाके में कंपनी बैठेगा सीएसआर का काम जो है उसी इलाके में होगा। जमींदाताओं की शिक्षा की व्यवस्था, जमींदाताओं के जो 18 वर्ष के उम्र के जो उनके पाल्य हैं उनके रोजगार की व्यवस्था, उसके नौकरी की व्यवस्था, वो तमाम कंपनियों को ही करना है। और कंपनी के लोगों ने उससे भी नियम से भी थोड़ा सा और बढ़ चढ़ करके, चूँकि ज़मीन लेना था इस इलाके में, उनको प्रोजेक्ट लगाना था, कंपनी के लोगों ने रैयतों के साथ, आप सैकड़ों रैयतों से उस इलाके में जाके पूछ सकते हैं, उनको जा कर के कहा कि भूमि के बदले मुआवजा भी मिलेगा और नौकरी भी आपके बच्चों को मिलेगी कंपनी के अंदर में और रोजगार के अवसर भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक सरकारी प्रावधान भी है, उस प्रावधान के तहत आरएनआर पॉलिसी के लिए जिला स्तरीय एक कमेटी होती है। मैं यह जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, उसके अध्यक्ष या जिले के उपायुक्त होते हैं और उपायुक्त की अध्यक्षता में उसी क्रम में बीच में एक बैठक होती है कि पुनर्वासन व्यवस्था के तहत क्या क्या उस इलाके के लोगों को फैसिलिटीज़ देना है। उस समय हमारे उसके मेंबर होते हैं जो स्थानीय सांसद होते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर में वो प्रोजेक्ट आता है उस क्षेत्र के सम्मानित विधायक होते हैं, उस क्षेत्र के मुखिया होते हैं और 3 मेंबर उसमें नॉमिनेट किया जाता है, एक ST से, एक SC से और एक महिला से। और मैं सांसद जी को दोष दे सकता हूँ वहाँ, उनके इशारे पर जिनको लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है, जिनको भूमि अधिग्रहण अधिनियम कैसे होता है, RNR पॉलिसी क्या है, जिनको किसी तरह की जानकारी नहीं थी, वैसे 3 लोगों को नॉमिनेट करने का काम किया और एक कमेटी बनाई गई। दोस्तों, रोजगार के नाम पर माननीय सांसद निशिकांत दुबे की गदे पचीसी आपने सुनी होगी, लेकिन कैसे सांसद महोदय ने अडानी की तरफदारी कर गुड्डा के स्थानीय और साथ ही साथ रैयतों के हक और हुकूक पर सीधा हमला किया है, वो अब आपको प्रेमनंदन मंडल के बयान से समझ में आ गया होगा। विधायक प्रदीप यादव उस समय जेल में थे और RNR कमेटी के सदस्य होने के नाते पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने अडानी में 100% युवाओं को, यानी कि स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का अपना सुझाव एक चिट्ठी के माध्यम से भेजा था, मगर सत्ता के नशे में चूर सांसद ने उनकी बात को ठीक उसी तरह नजरअंदाज किया जैसे अडानी समूह ने जमीन देने वाले रैयतों। दोस्तों, अडानी समूह ने गुड्डा को कुछ दिया हो या ना दिया, मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और फसलों को तबाह करता केमिकल वाटर डंपिंग दिया। इस मुद्दे पर भी प्रेमनंदन मंडल ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। गर्मी झेलते हैं, अभी गुड्डा का तापमान सबसे ज्यादा पूरे राज्य में सबसे ज्यादा आए बगाए गुड्डा का ही रहता है। अभी मात्र कम ही दिन हुए हैं, आप उधर जब जाएंगे तो पूरा जगह धूल धूसरित हो गया है, प्रदूषण सारे इलाके में फैलना शुरू हो गया है। मतलब गर्मी का कारण आप अडानी को मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसके पहले तो आज 60 बरस उम्र हो गया जी, कभी इस जिला का नहीं रहता था उतना ज्यादा तापमान अन्य जिला से ज्यादा। जल स्तर का भी स्थिति बहुत, हाँ जल स्तर भी काफी नीचे गिरा है और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए उसकी कोई सुविधा नहीं है, सड़कों पर धूल उड़ते रहता है, जब बहुत बार जोर लगाएंगे तो एक टैंकर पानी लाता है यहाँ से वहां तक गिरा दिया, फिर कान में तेल दे करके कंपनी सोई रहती है। गुड्डा के लोगों की जमीन हत्या कर अडानी 1600 मेगावाट बिजली से बांग्लादेश को चमका रहा है, जबकि गुड्डा के लोगों को गर्मी का डंस झेलना पड़ रहा है। वहीं जिला की बिजली व्यवस्था तो चौपट रहती ही है, पावर प्लांट बगल में होने के बावजूद गुड्डा को बिजली नियमित रूप से नहीं मिल पाती। वैसे सांसद महोदय बार बार ये राग अलापते हैं कि अडानी उनके मेहनत से आया। दोस्तों, प्रेमनंदन मंडल इस मुद्दे पर भी सांसद को घेरा है, क्या कहा उन्होंने जरा आप सुनिए। पावर प्लांट लगाने में सांसद जी की कोई भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका नगण्य है। मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा
कि 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ही बांग्लादेश के साथ समझौता किया था कि भारत से मैं पावर दूंगा, और उन्होंने एनटीपीसी कहलगांव को ये दिया था कि आप पावर प्लांट और लगा करके यूनिट बढ़ा करके बांग्लादेश को बिजली दो। लेकिन उस समय 14 में सरकार उनकी बन गई, एक साल में नहीं हो पाया, और फिर प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश, फिर शेख हसीना से समझौता होता है और उन्होंने कहा कि ठीक है भारत पावर देगा। और उसी क्रम में उन्होंने अपने मित्र, जिनको कहा जाता है कैसी मित्रता है आप लोग जानते हैं, अडानी को कहा कि आप पावर प्रोडक्ट लगाओ और वहाँ बिजली देने का काम करो। उन्होंने बांग्लादेश से सबसे नज़दीक पश्चिम बंगाल को चुनने का पहले प्रयास किया कि हमको कैरेज कॉस्ट कम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कम पैसे लगेंगे। लेकिन वह ममता दीदी की सरकार थी, भूमि अधिग्रहण कर नहीं पाते, वहाँ तो नैनो जैसा प्रोडक्ट भगा दिया गया था। उसको बात जहन में रखते हुए वो झारखंड की सीमा को चुनने का उन्होंने काम किया, और जब झारखंड की सीमा में प्रवेश किए तो वो पाकुड़ का इलाका था, राजमहल लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा जी थे, और उस इलाके में जान देंगे जमीन नहीं देंगे इसका आंदोलन ज़्यादा चलता है, इसलिए उन्होंने उस जगह को भी नहीं चुना। उससे ठीक नज़दीक खोजते थे अडानी, जहाँ से बिजली हमको ले जाने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने गोड्डा जिला को चुनने का काम किया, सांसद जी के कहने पर गोड्डा जिला नहीं चुना था, क्योंकि मैं बहुत अंदर की बात जानता हूँ, और उन्होंने और नज़दीक चुनते हुए परसपानी की जगह को चुनने का काम किया। सबसे ज़्यादा नज़दीक उधर से परसपानी था। लगभग 1.5 वर्षों तक परसपानी में जमीन लेने के लिए अडानी कंपनी के जितने अधिकारी थे, हमारे आदरणीय माननीय सांसद तत्कालीन, अब तो तत्कालीन बोलेंगे, निशिकांत दुबे जी, वो लगे हुए थे, और रघुवर दास जी भी गोड्डा आए थे। आप लोगों ने गांधी मैदान में उनकी सभा को सुना होगा, वो यहाँ के लोगों को सभा के माध्यम से समझाने का काम कर रहे थे कि आप जमीन दे दो, कंपनी लगेगी, विकास के काम होंगे, इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ेगा। लेकिन वहाँ भी जमीन लेने में सफल अडानी नहीं हो पाया, और हमारे सांसद जी जमीन दिलवाने में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, यह उस अडानी पावर प्लांट की वह सच्चाई है जिससे शायद ही आपको कोई चैनल या पत्रकार रूबरू कराए। मगर आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सांसद ने संसद के अंदर महुआ मोइत्रा को बिजनेसमैन हीरा नंदानी के इशारे पर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। अब जरा आप कमेंट में बताएं कि आखिर सांसद महोदय ने किसके इशारे पर अडानी को गोड्डा लोकसभा में अपनी नींव गाड़ने दी, और वो भी तब जब उनके क्षेत्र की सारी जनता इसके विरोध में थी। कहानी साफ है और समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। धन्यवाद।